अब आप क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? लैला के साथ आप यहाँ क्यों आए? और ये सब अच्छा होने का नाटक आप कब से करे जा रहे हैं? कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। मेरी नजर आप पर है एमरी डेविड। मैं बस आपके एक गलती की राह देख रही हूँ, फिर आप देखते जाओ। बेटा तुम्हें नींद नहीं आ रही है? टाइम देखो जरा। मैं सो जाऊंगी मॉम, जल्दी सो जाऊंगी। बेटा हम बहुत थक गए, पर आज बहुत अच्छा लगा है ना? हाँ, तो अभी आपको चुगली करनी है मॉम। सब कुछ कितना परफेक्ट था ना, और इन पड़ोस के लोगों के लिए एक चीज अच्छी हो गई, आपने बहुत अच्छा काम किया। भाई तुमने काफी सारी बुक्स लाइब्रेरी को दी। हाँ नहीं इतनी नहीं, हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना अच्छी बात है। तुमने मिसेस मैथ की भी के प्रेसिडेंसी कैंपेन के वक्त भी बहुत सपोर्ट किया था। तो मुझे ये बताओ कि तुम और सनेम आखिर कितने क्लोज हो? क्या चल रहा है तुम्हारे पीछे? मुझसे छुपाना मत भाई, तुम उसे चाहते हो ना, प्यार करते हो ना उससे? आयसन को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जलन के मारे पता है क्या क्या कह रही थी? तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में बहुत कुछ कहा उसने, पता है? क्यों, क्या कह रही थी वो, बताओ ना। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में, मिस्टर जॉन के बारे में, मिस्टर एमरे, तुम सबके बारे में कहा उसने, और मैं उसकी बकवास रोक ही नहीं पाई वहाँ। हाँ सही है। मेरी बच्ची, तुम्हारे और मिस्टर जॉन के बीच में कुछ खास चल रहा है क्या? नहीं, क्या मॉम, हम सिर्फ दोस्त हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं। सच में जैसे तुम और ओस्मान सच्चे दोस्त हो वैसे ही? हाँ नॉट एग्जैक्टली, बट फ्रेंड्स ही है, मतलब थोड़ी क्लोज है, बस क्लोज फ्रेंड्स है। दो दोस्त जो एक दूसरे के प्यार में है, पर तुम उसके इतने क्लोज कैसे हो गए मुझे समझ नहीं आता। तुम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हो मेरे भाई। हाँ भले ही उनकी परवरिश एक अलग तरीके से हुई है, वो अलग माहौल में पले बढ़े हैं, पर फीलिंग्स तो जरूरी है ना। उनका दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत साफ दिल के इंसान है। वो काफी स्मार्ट है और उसे वो हर चीज नजर आती है जो मुझे कभी नहीं आएगी। हाँ उसकी कुछ हैबिट्स काफी अजीब है। हाँ ऑफ कोर्स, मुझे उनकी कुछ चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम ढीठ किस्म के इंसान है, जैसे कि एक बार कोई फैसला ले लेना तो उससे कभी मुकरते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह लेते हैं। तुम जरा मेरी नजरों से देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? हम भी इस दौर से गुजरे हैं, मुझे पता है कि तुम प्यार में हो। तुम दोनों एक दूसरे को जैसे देखते हो ना, सब पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल नहीं, आप क्या कह रही है, सच में? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, आपकी सोच गलत हो सकती है मॉम, हम सिर्फ दोस्त हैं। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी स्टोरी में क्या हो रहा है, लैला और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। और मिस्टर एमरे का क्या चल रहा है, मुझे ये चक्कर समझ नहीं आया, बताओ कि क्या चल रहा है? मॉम आपने मिसेस आयसन की बातें कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे पता है वो प्यार में है, मुझे यकीन है तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रही हो, सच बताओ। मॉम आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? जिस तरफ से तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो, और वैसे भी मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तुम बता सकते हो, लैला एक बहुत हार्ड वर्किंग और काफी वार्म हार्टेड लड़की है, सच में। हाँ इसीलिए मैं उससे बहुत अट्रैक्टेड हूँ, वो काफी अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत साफ है और वो मुझे अच्छाई की तरफ खींचती है। मैं सच कह रहा हूँ, आइलिन को छोड़ के तुमने बहुत अच्छा किया, सच में। तुम उससे दूर रहो वही अच्छा है, लैला तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ मैं भी खुश हूँ, मुझे खुशी है कि मैं आइलिन से दूर हो गया। मुझे एक और ग्लास चाहिए, मैंने आज बहुत सारे टैंजरीन्स खा लिए, मुझे पता तुम मुझसे ज्यादा खा सकते हो, बट नेवर माइंड। थैंक यू भाई। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना ये एमरे बिल्कुल पसंद नहीं है, बस ये फिक्र है कि लैला को हर्ट ना करे। तुमने देखा वो कैसे देखता है, ऐसे ऐसे करके देखता है इधर उधर, बहुत चालाक है। सच में मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती, मुझे नहीं पता। देखो बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने भी प्यार किया था, फिर हमने शादी की थी, और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, अच्छी जगह शादी हो, है ना? मतलब मिस्टर जॉन एमरे की वजह से आयसुन तुम्हारी इधर उधर बातें ना करे। तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं देख सकती।
मॉम ठीक है, पर आप उन्हें इतना सीरियसली मत लो। बेटा मैं नहीं चाहती कि हमें आयसुन जैसी को कोई इस तरह का मौका देना चाहिए कि वो बातें बनाए। देखो सुनो, तुम ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं रहोगी जो तुम्हें हर्ट करे, चाहे वो मिस्टर जान हो या तुम्हारी बहन के साथ वो मिस्टर एमरे हो। मुझसे ये प्रॉमिस करो कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम। ठीक है माँ, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपको कभी निराश नहीं करूंगी, आपको हमेशा खुश रखूंगी। देखो मैं तुम्हें किस देना चाहती हूँ पर मैं नहीं झुक सकती, तुम्हें ही ऊपर आना पड़ेगा। अब आप एक किस और उठो। ओ गॉड ओ गॉड, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, कितनी मुश्किल। जे जे अपनी मोटिवेशन स्पीच बंद करो, तुम वहाँ सही लग रहे हो पर अभी बाहर आ जाओ। सने क्या हमें स्टोरी बोर्ड ऑर्डर फॉलो करनी चाहिए? नो नो चेंजेस, अगर जरूरत पड़ी तो आई विल टेल यू। तो चिल्ला क्यों रही हो, मुझे स्ट्रेस क्यों दे रही हो? क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ सने, क्या मैं उस्मान के सामने अजीब बिहेव करता हूँ? आई मीन मेरे और आयहान की वजह से, शायद मैं उसके सामने कुछ ज्यादा ही एक्सैजरेट करने लगा हूँ। हाँ तुम अजीब बिहेव करते हो, हमेशा ही अजीब बिहेव करते हो, पर ये तुम्हारा नॉर्मल है सो डोंट माइंड। ठीक है, ऐसे देखो जैसे तुम बहुत दूर देख रहे हो। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? ओके वेरी गुड उस्मान। ओके अब तुम जंगल से आ रहे हो, तुम बस स्माइल दो, ठीक है? स्मार्ट तो दिख रहे हो, तुम्हारे डबल डिंपल्स दिखाओ, लड़कियों को पसंद होते हैं, है ना? राइट गुलिस? हाँ बिल्कुल। ओके अब स्माइल करो। अच्छा ठीक है, ये लुक होल्ड करके रखो, वेरी गुड। मिस्टर जान, मिस्टर जान सुनिए ना, वो मेमोरी कार्ड भर चुका है, क्या मैं विजुअल्स के ही और ट्रांसफर कर दूं? सनम तुम प्रोफेशनल हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, जो मन करे वो करो। सो यू ट्रस्ट मी गामजे? ये लड़की हमेशा मिस्टर जॉन के साथ क्या करती है, उसका क्या नाम है? सनम वो बहुत एम्बिशियस है और एक अच्छी असिस्टेंट है, बहुत ही काम करने वाली उस टाइप की है। वो बच्चों जैसा बिहेव करती है। लेडीज मैं यहाँ हूँ, आप थोड़ा राइट साइड मूव हो जाएंगी, वो क्या है ना आप एकदम से लाइट के सामने खड़ी है और वहाँ शूटिंग चल रही है तो डिस्टर्ब हो रहा है। अब ठीक है? नहीं राइट साइड, राइट राइट साइड। ओके आप कैसा है? नहीं अभी भी थोड़ा लेफ्ट में खड़ी है आप। आप पीछे जाइए ना, पीछे पीछे लाइट ब्लॉक नहीं होगा, पीछे जाइए। पर हम लाइट ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। ये सही है। अच्छा अगर आप कह रही है तो। सन मैंने देखा नहीं पर सुना, तुमने अच्छा डिसीजन लिया, ब्राइटनेस अच्छी आ रही है। हाँ, इट्स परफेक्ट। हाँ, अच्छा लग रहा है। ओके उस्मान आई थिंक दैट्स इनफ, एक ब्रेक ले लेते हैं, तुम अब नए कॉस्ट्यूम्स पहन लो, चलो जल्दी करो, हमें शाम से पहले रैप करना है तो सब कुछ जल्दी खत्म करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो। सनम तुम्हारा डिसीजन वाकई काफी अच्छा था, वेरी गुड। सच में? देखो तुमने मूव करने कहा उसके बाद ही ये क्लिक्स मिले। हमारा लाइट ब्लॉक मत करो, पीछे जाकर खड़े रहो बस। जॉन सब बहुत अच्छा चल रहा है। यस थैंक यू। अब जब ब्रेक ले ही लिया है तो उम्मीद करती हूँ आप अपना प्रॉमिस निभाएंगे, आप मेरी पिक्चर्स लेने वाले थे। हाँ ब्रावो, हम ये कर लेंगे, मैं भूला नहीं हूँ। ओह मैंने आते हुए बाहर एक झूला देखा है, क्या हम वहाँ पर चले? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है कि हमें ये फोटोशूट रात तक खत्म करना है। आप एक काम कीजिए, आप यही फोटोशूट कर लीजिए, मैं उसे बाद में माउंट कर लूंगी, मतलब आप और झूला। ओ ऐसा कैसे होगा? ऑफ कोर्स क्यों नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी है ना, जैसे कि कोई औरत जिसके कुएं जैसे पैर है, जिसे रिंकल है, मैं उसे फोटोशॉप में लेकर एकदम यंग बना सकती हूँ। आजकल तो टेक्नोलॉजी से जो चाहे मिल जाता है, मैं ये सब कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे गलत मत समझिए, मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप बुढ़ी हैं। जॉन तुम क्या कर रहे हो? वैसे जब मैं यहाँ आया तो बाहर बारिश हो रही थी और लाइट भी थोड़ी कम थी, हमें अच्छे फोटोज नहीं मिलेंगे, पर अभी हमारे पास यहाँ पूरी प्रोडक्शन टीम है तो हमें इसका फायदा उठाकर बाहर अच्छे से शूट करना चाहिए ताकि हमें अच्छी लाइट्स भी मिले, क्या कहती हो? तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। ठीक है मैं अपने साथ कुछ कपड़े लाई हूँ, मैं उन्हें पहन लेती हूँ। ओ अच्छा पूरी प्रेपरेशन के साथ आई हो, ठीक है चेंज कर लो, व्हाटएवर। देखिए आपको लेट नहीं होना है, शाम में हमेशा ट्रैफिक जाम रहता हाँ। है, हमें ये शूट उससे पहले खत्म करना है। अच्छा सुनो ना, इसका मेमोरी कार्ड बदल दो प्लीज। हाँ जरूर।
मुझे ये मिल गया। आपको नहीं लगता ये अच्छा लगेगा? हाँ, ये सूट करेगा, तुम ट्राई करना चाहोगी? क्या चाहे? अरे ये बिल्कुल एक कैंपेन जैसा लगेगा। सिनेम तुम ये क्या कर रही हो? सिनेम नहीं, मेरा नाम सानेम है। ओके ओके, समझ गई। मेरा नाम याद करना इतना डिफिकल्ट है? ये उस औरत के साथ आखिर कर क्या रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या है वो? मेरे पास एक और आइडिया है, क्या मैं ये कर सकती हूँ? माय गॉड, हाँ ये सूट करेगा। जैकेट नीचे गिर गया, ये पीते हुए फोटो खींचते हैं। बहुत अच्छा है। वंडरफुल। हाँ यहाँ धूल है मिस्टर जॉन। ब्लैक है इसीलिए। क्या ये आपने नया खरीदा? इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ जब आपके पास वक्त होगा। मैं शूट कर रहा हूँ, रुको। गॉड ब्लेस यू। मिस्टर जॉन, क्या ये लाइट सही है? सॉरी सॉरी मिस्टर जॉन। वेरी नाइस। ओह इट्स वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। ओह थैंक्स डियर, थैंक यू मिस्टर जॉन। Oh, it's my pleasure. No worries. ये आपके लिए कितनी अच्छी मेमोरी है ना कि मिस्टर जॉन ने आपकी फोटोज ली। सो ब्यूटीफुल। वैसे ये किसी के लिए ऐसा नहीं करते। हाँ सच में ये ऐसा कुछ नहीं करते, कितनी अच्छी बात है। यू आर सो एलिगेंट। अच्छा आप थक गई होंगी, आप कुछ पीना चाहेंगी हमारे साथ? हाँ सुपर। हाँ जब से मैं यहाँ हूँ मैंने कुछ पिया ही नहीं है, एक चाय परफेक्ट रहेगी। लाइए मुझे दीजिए, मुझे फोटोज ट्रांसफर। चलो चलते हैं, वायर का ध्यान रखना। गायब हो गई। पर कैसे, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? पर सब फोटोज गायब हो गई। अभी तो सारे फोटोज क्लिक किए थे सनम। मिस्टर जॉन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, फोटोज आपने ली ही नहीं है। यहाँ ऐसे तो सारे फोटोज हो गए। कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी जॉब में ऐसी मिस्टेक एक्सेप्टेड नहीं है। एनीवे अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें शांत रहकर दोबारा सब शूट करना होगा। मुझे माफ कर दीजिए पर ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ, टेक्निकल एरर है। हाँ अब जाने भी दो, जो होना था सो हो गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना? फिर भी ये बहुत अच्छी बात हाँ, है सच में मिस्टर जॉन ने आपकी फोटोज ली है। हाँ सच में सो इम्प्रेसिव, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, ऐसा एक्सपीरियंस सबको नहीं मिलता। चलो चलो ये ब्रेकअप खत्म हो गया है मिस्टर जॉन, हमारी सारी मॉडल्स रेडी। गामजे उन्हें अंदर ले जाओ। ओके मिस्टर जॉन। ओह ये तुम क्या कह रहे हो, क्या बेतुल और तोलगा ने सच में शादी कर ली? पर वो दोनों तो स्कूल से एक दूसरे को हेट करते थे। जैसे कि सब कहते हैं प्यार की शुरुआत हमेशा झगड़े से होती है। यस इट इज ट्रू। और तुम, तुम्हारा क्या सीन है बता? नथिंग। सच में तुम जैसी खूबसूरत लड़की। हाँ मैंने कहा ना कुछ भी नहीं। क्या बात है मिस्टर जॉन, आप ये कैसे कर लेते हैं? मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा ठीक है, तुम टेंशन मत लो। पर मेरी एक कंडीशन है, तुम कहाँ से हो ये बताओ पहले। ये मैं नहीं बता सकता मिस्टर जॉन, I'm sorry, मैं ये नहीं बता सकता। तुम्हें ये सीखना है या नहीं? मुझे सीखना है। ओके जे जे, खास दोस्तों, एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों, वो पुराने दिनों को याद करने में कितनी खुशी मिलती है, स्वीट चैट्स पर। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता पर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हमें काम पर वापस लगना चाहिए, am I right? हम सबकी पर्सनल लाइफ है, फैमिलीज है। मिस्टर जॉन प्लीज प्लीज, ये कौन है हा? क्या ये कितना गंदा है, प्लीज इसे यहाँ से उठाकर वहाँ पर रखो, प्लीज हटाओ ये सारी चीजें, सब बिखरा पड़ा है। ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे बॉस तुमसे प्यार करते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम आ गए मिस्टर जॉन, बोलिए। वहाँ चेयर पर एक ऑरेंज कलर का तकिया है और एक रेड कलर का मैट, उसे एक टेंट के आगे और उसके ऊपर एक कलरफुल पिलो। ये कलरफुल पिलो तुम्हारे बगल में होगा और वो वुड थोड़े करीब होगा। याद कैसे रखती है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे लगता है उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। हाँ उसके पास है। और वो क्रीपर का पोस्टर उस तरफ राइट साइड में टेंट के साइड में।
ये एग्जैक्टली वैसा जैसे पहले फोटोज में था। फोटोग्राफिक मेमोरी मुझे पता है, तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो, मुझे नाज है तुम पर। व्हाट अ मेमोरी, सीरियसली। वो क्रीपर क्या है, मुझे समझ नहीं आया। क्रीपर एक बर्ड है 12-13 सेंटीमीटर का। ओके और हाँ, वो एक सिंगिंग बर्ड है और वो जंगल में रहते हैं और उनकी चोंच ऐसे बड़ी और कर्व होती है और उनकी पूंछ काफी फ्लफी होती है। अच्छा, समझ गया। ओके ओके, क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? आई फील सब रेडी है, चलो। सनान सुनो, थोड़ा हम्बल रहना प्लीज, वैसे मत करो यार, रिलैक्स, बॉडी को लूज छोड़ो, अपने आर्म्स फ्री रखो, स्ट्रेच करो थोड़ा। हाँ, आप उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? प्रेशर, वो भी मैं? हाँ, उसके ऊपर मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ। मुझे लगता है वो आपकी वजह से स्ट्रेस। मेरी वजह से स्ट्रेस है? क्यों? मुझे लगता है वो हमेशा ऐसे ही रहता है, उसका स्टाइल ही ऐसा है। वो मेल मॉडल्स जो कभी स्माइल नहीं करते, कूल बनते हैं, यू नो, उनको लगता है कि एटीट्यूड मारने में ही सब कुछ है, ये उनमें से एक है। मैं तो बस उसे सुधारना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या, तुम ही देखो ना वो कितना एटीट्यूड में रहता है, जब देखो तब वो नेचुरली स्ट्रेस है जो दूसरों को भी स्ट्रेस में डालता है। सनान यहाँ देखो, अब सोचो कि तुम्हारा जंगल में एक भालू के साथ झगड़ा हुआ है और तुम्हें उसका सामना करना है, वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है? तुम उसे थोड़ा चेंज करो, नेचुरल रहो, रिलैक्स रहो, अपने बॉडी को यू नो लूज छोड़ो। अब एक सर्वाइवर हो तुम, तो तुम्हें वो एटीट्यूड लाना होगा, ठीक है? तुम एक सर्वाइवर हो तो वैसा बिहेव करो। मुझे लगता है आप सिनान से जलस हो रहे हैं। मैं? वेरी गुड वेरी गुड। ओके सिनान, सिनान अब तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने चीटिंग की है और टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम ऐसे रिएक्ट करने की तुम्हें कुछ पता नहीं है, मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। और मैं उससे जेलस क्यों होऊंगा? हाँ, क्यों जलूंगा मैं उससे? तुम बताओ ना, कोई वाजिब कारण है? क्योंकि वो हैंडसम है। तुम्हें लगता है वो हैंडसम है? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही, आपको लगता है कि वो हैंडसम है। सुना, यू नो व्हाट, मैं कैसे समझाऊं? Let me put it this way, दुनिया में ढेर सारी चीजी हॉरर मूवीज हैं जो लो बजट की हैं, और तुम उस मूवी के मेन कैरेक्टर हो, तो अब अपना फेस चेंज करो, अपना पोस्टर चेंज करो। चलो, तुम्हें सच में ये इंसान हैंडसम लगता है? हाँ। अच्छा, ज्यादा हैंडसम कौन लगता है तुम्हें? आप। Well, मेरे लिए सिनान हैंडसम नहीं है। आपने जब मुझे ये पूछा तो मैं एक्साइटेड हो गई। ओह शिट, अब मुझे शर्म आ रही है। माय डियर सिनान, प्लीज तुम ऑफेंड मत होना, पर मुझे जो चाहिए वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बेहतर बनो। मुझे माफ कर देना, पर तुम बहुत अच्छे हो, पर प्लीज अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करो। हाँ, तुम थोड़ी देर के लिए चिल कर लो। वो क्या होता है ना, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, तो हर एक एक्सप्रेशन बहुत क्लियर कट समझ में आ जाता है, इसीलिए रिलैक्स करो। चलो एक और बार ट्राई करेंगे। अच्छा सनम सुनो, मुझे तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, समझ रही हो? हाँ ठीक है, चलो मुझे थोड़े और फोटोज लेने। मुझे लगता है आपकी बोट डूबने वाली है। ओह डियर, कोई तूफान मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। पर जैसा कि आपको दिख रहा है, जान सनम के साथ काफी बिजी है। हाँ मैंने नोटिस किया है। तो फिर बेचारी उस लड़की का भी माइंड सिर्फ मिस्टर जॉन में बिजी रहता है। मुझे लगता है उसे काफी तकलीफ होती है। क्या कहा? उसे बुरा लगेगा जब मैं उसकी जगह जॉन के साथ रहूंगी। बेचारी, मतलब इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रही हो आप? मतलब आप जॉन पर फोकस कर रही हैं, है ना? तुम्हें तो पता ही है, जो मुझे चाहिए मैं उसे हासिल कर ही लेती हूँ। ब्रावो, इट्स ओवर, ये टॉर्चर खत्म। मैंने जो भी कहा उससे ऑफेंड मत होना, ठीक है? ओके गाइस, हमारा आज का शूट हो गया है, पैक अप करते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था ना, जाके अपना काम करो। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आइलिन? ये काफी बुरा टाइम है, यहाँ से चली जाओ। माय डियर जेरिन, आई मिस यू सो मच। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सॉरी, तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। तुम यहाँ क्यों आई हो आइलिन? ओह गॉड, तुम लोगों को पता नहीं था क्या? फाबरी ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। अच्छा तो मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ पर फाबरी की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कहा? क्या कहा? मैं क्लियर कर देती हूँ,
फाबरी हमारे बिजनेस पार्टनर बने रहेंगे जैसा कि आप पहले से जानते हैं। आइलैंड साफ साफ बताओ ना। मिस्टर फाबरी अपने शेयर्स नहीं बेचने वाले हैं, पर उन्हें इस सेक्टर की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं उनकी तरफ से यहाँ रहने वाली हूँ। हाँ, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स। क्या ये ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करना जायज है? मुझे नहीं पता सनी, मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें उनकी कॉपी दिखा देती हूँ। हाँ, ये चाहो तो रख लो। आइलैंड बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ अभी के अभी। मैं कहीं नहीं जा रही मिस्टर एमरे, मैं यहाँ एंजो फैब्रिक की रिप्रेजेंटेटिव बनकर आई हूँ। आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ लीगल है। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ। मैंने तुम सबको बहुत मिस किया, और खास तौर से तुम्हें जीजी। जीजी, जीजी। उसने सबसे ज्यादा मुझे मिस किया।